नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं ललित सिंह भंडारी। तो आज हम पढ़ेंगे आपका डीसी सर्किट एनालिसिस में कुछ आपका लॉज पढ़ेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे इसकी थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपका ओम्स लॉ। व्हेन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट विद सप्लाई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ETC देन करंट फ्लो इट्स प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका करंट फ्लो होने लगता है। करंट क्या हो जाता है, फ्लो होता है, जो प्रोपोर्शनल होता है आपके वोल्टेज के, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V। देखिए ये है आपका सर्किट, सर्किट में क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। I ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अक्रॉस क्या है, V वोल्टेज होगा, जो किसके प्रोपोर्शनल है, I के, ठीक है। तो V को जब इक्वल यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे ना इसके बीच में से, तो ये V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट। R कांस्टेंट का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस लॉ को, V इक्वल टू IR। अब इसमें पावर देखिए, पावर को भी देख लेते हैं, तो P इक्वल टू VI होता है वाट में, ठीक है। AC, जब AC सर्किट एनालिसिस करेंगे तो उसमें पावर का फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, उसमें VI cos phi आता है, पावर फैक्टर, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर DC पावर की बात करिए तो VI फॉर्मूला होगा। फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आपका P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि V की वैल्यू पुट कर दी, इस V की वैल्यू IR पुट करेंगे यहाँ पे, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब अगर I की वैल्यू रख दें यहाँ पे निकाल के, यहाँ से V अपॉन R, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वाट में। तो पावर के इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले 3। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने हमारा दो इलेक्ट्रिकल सर्किट संबंधी दो लॉ दिए हैं, एक KCL और KVL। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और KVL हो गया आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, आपका लूप लॉ भी कहते हैं, और KCL को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम आपका फर्स्ट लॉ किरचॉफ का, KCL। इसमें कह रहा है आपका, इन एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू जीरो। एल्जेब्रिक का आप स्पेलिंग से कर लेना, ELEGE होता है आपका, ठीक है, GEBRA होगा IC, एल्जेब्रिक। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक जंक्शन में जो बीज गणितीय योग होता है आपका करंट का, वो इक्वल होता है जीरो के, ठीक है। तो समेशन I इक्वल टू जीरो, इसे लिखते हैं हम ऐसे हैं आपका। अब ये पॉइंट देखिए आपका, जब भी करंट प्लस का लेंगे हम जंक्शन के पास, अगर करंट आता हुआ दिखाई दे हमें, ठीक है, तो करंट हमें कैसे लेना है, प्लस का। अब करंट किसी भी इलेक्ट्रिक जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे हम लेंगे नेगेटिव में, ठीक है, माइनस का करंट लेना है, ये ध्यान रखने में, दो पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही पूरा हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे साइड में एक सर्किट दिया है आपको, छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने इसका। अब जंक्शन N दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिक जंक्शन N दिख रहा है बीच में। अब यहाँ से देखिए, जो ये I1 है, ये जंक्शन से कैसा जा रहा है, दूर, तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव। अब I3 है जंक्शन से, N से कैसे जा रहा है, दूर हो जा रहा है, करंट उससे दूर हो रहा है, तो ये कैसा लेंगे हम करंट, I3 माइनस का। अब I2 देखिए, करंट क्या है आपका, इसका एरो कहाँ की तरफ है, जंक्शन की तरफ, यानी कि ये जंक्शन की तरफ जा रहा है I2, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी आपकी, प्लस की माइनस की, कमेंट करके बताएं जरूर। और I5 की वैल्यू कैसी होगी, ये जंक्शन से आपका दूर जा रहा है, तो I5 की वैल्यू होगी माइनस में। फिर I4 की वैल्यू कैसी होगी आपका, प्लस में होगी माइनस में, ये आपका प्लस में होगी, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है करंट। I6 भी कैसा होगा आपका, प्लस का होगा, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ इसका एरो है, यानी कि जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका हम सबका जब एल्जेब्रिक सम करेंगे, बीजगणितीय योग, तो वो कैसा होता है आपका, जीरो होता है, यही आपका KCL लॉ कहता है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए I1 कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये दूर जा रहा है, यहाँ पे लिख लिया हमने I1। अब I2 देखिए, एक मिनट, अब यहाँ I2 देखिए, I2 कैसा हो गया, प्लस का, क्योंकि जंक्शन के पास जा रहा है, ठीक है, प्लस I2। माइनस का I3 ले लिया हमने, क्योंकि ये जंक्शन से दूर, प्लस का I4 क्यों लिया, I4 देखिए, ये रहा आपका I4, इसमें ये जंक्शन के पास आ रहा है, ठीक है। और I5 कैसा हो, माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि ये जंक्शन N से दूर जा रहा है, ठीक है। और I6 क्या है, प्लस का होगा, क्योंकि ये जंक्शन के पास आ रहा है, तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले इधर उधर ले आ सकते हैं, माइनस वाले हम अगर उस तरफ ले गए, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स, आई वन प्लस आई टू सॉरी आई थ्री प्लस आई फाइव। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जिस भी की वैल्यू निकाली होगी करंट की निकल जाएगी, सबकी दी होगी वैल्यू और किसी एक की निकालनी होगी। तो इस तरीके से ये लॉ लगाते हैं हम आपका जंक्शन पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हम इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर क्या होता है, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। तो हम इसे इस तरीके से भी इसका नियम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें रटना नहीं है, हमें खाली समझना है इस नियम को। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड लॉ पे। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के वेल। अब इसमें लिखा है आपका इन एनी लूप, इन एनी इलेक्ट्रिक लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ आपका, ठीक है, प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। तो एल्जेब्रिक के पहले तो स्पेलिंग सीख लेना। इसमें एल्जेब्रिक की स्पेलिंग होती है ALGEBRA होगा। ठीक है, IC एल्जेब्रिक्स ये सही कर लेना दोनों यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक लूप में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF का होता है प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ आपका वोल्टेज ड्रॉप यानी कि IR का होता है इक्वल टू किसके होता है, जीरो के बराबर है दोनों का योग। यानी कि समेशन EMF प्लस समेशन वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू R इक्वल टू जीरो सॉरी। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं को समेशन ई प्लस समेशन आई आर यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू जीरो। ये देखिए, ये दिया है आपका लूप। ठीक है, इसमें करंट हमने माना इस डायरेक्शन में, करंट हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम मैं लॉ लगाऊं तो ये होगा, देखिए माइनस का ई इक्वल टू सॉरी प्लस का आई आर इक्वल टू जीरो के। ठीक है, अभी कैसे लगाया, माइनस का ई क्यों लगा, हम करंट की देखते हैं डायरेक्शन, ये माइनस से गया प्लस से निकला तो ई हमारा कैसा होगा, नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, ये भी आगे बताऊंगा आपको। फिर वोल्टेज जब को हम हमेशा प्लस में लेंगे, करंट चाहे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में हो चाहे नीचे से ऊपर की, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें जब हम ये लॉ लगाते हैं तो ये क्या होगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपके। अब ये दो पॉइंट हैं, जब भी करंट देखो प्लस से माइनस की तरफ चले लूप के अंदर, प्लस से क्या जा रहा है माइनस की तरफ, तो वोल्टेज क्या लेंगे हम, पॉजिटिव आपका। जब भी करंट नेगेटिव से आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, ठीक है, तो क्या लेंगे, वोल्टेज को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे या EMF को, वोल्टेज या EMF एक ही चीज़ है। ठीक है, बट वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज राइट विद अ पॉजिटिव साइन। वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव साइन कर लेते हैं हम। अभी मैंने लगा के बताया इसमें आपका ये लॉ। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, एक चीज़ और देख लो ये इसमें आपका, करंट अगर हमें निकालना, देखिए इसमें ये लूप होगा आपका एक ये वे सेकेंड लूप ये, तो अगर ये तीनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखो सेम साइड है तो ये जुड़ जाएंगे, अगर अपोजिट साइड होगी करंट की डायरेक्शन तो ये आपको घट जाएंगे, इतना ध्यान रखना है, ये आगे पता चलेगा आपको अभी सर्किट में। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, ये दो एलिमेंट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका इन सर्किटों में। तो एलिमेंट विच कैपेबल टू डिलीवर एनर्जी एंड पावर इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो कैपेबल होते हैं आपका पावर को डिलीवर करने के लिए, वो आपका एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जो आपका पावर को डिलीवर होते हैं, डिलीवर करने के लिए कैपेबल होते हैं या ट्रांसफ़र करने के लिए, इतना ध्यान रखना आपको। इनके एग्जांपल है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और कुछ जैसे कि जनरेटर हो गए लाइक ट्रांजिस्टर, SCR सोलर सेल्स यानी कि सेमी कंडक्टर्स डिवाइस हो गए आपका ये मान लो। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट विच कैन ओनली एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिसिपेट, यानी कि
ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब और डिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि फैन हो गया आपका, फैन के अंदर का जो कॉइल्स होती हैं, देखा होगा उसमें क्या लगता है आपका, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो क्या कर देता है, करंट को डिसिपेट करके तो बनाता है आपका, जिससे कि आपका फैन घूमता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है आपका आर से रजिस्टर हो गया, आई से इंडक्टर और सी से कैपेसिटर। ठीक है, ये तीन है आपका इसका एग्जांपल, इतना समझ लो। नेक्स्ट चलते हैं, केवीएल सर्किट लिया है मैंने आपका, ठीक है, यानी कि लूप। अब इसमें देखेंगे हम इस लॉ को कैसे हम इसको लगाते हैं। अब पहले समझिए, ये सर्किट दिया है, इसमें तीन लूप लिए हैं। ठीक है, सर्किट बना है आपका E1, E2, E3, E4 और कुछ रजिस्टेंस लिए हैं, R1, R3, R5, R2, आपका R4 हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लिए आपका। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे सर्किट को, हम सबसे पहले देखिए लूप फर्स्ट में, ये क्या है आपका लूप फर्स्ट, पहला वाला। ठीक है, ये हो गया लूप फर्स्ट आपका। अब इसमें देखिए, अगर हम अप्लाई करते हैं KVL का लॉ लूप नंबर वन में, तो यहाँ सबसे पहले देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि माइनस से गया प्लस से निकला, तो ये E1 कैसा होगा। जब मैंने कहा था माइनस से प्लस की तरफ करंट जाए, तो E1 या वोल्टेज आपका क्या लेना है आपका, नेगेटिव में, तो E1 हो गया नेगेटिव। जब करंट यहाँ पहुँचेगा ऐसे इस तरफ को, तो ये IR प्लस का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, I1 R1। फिर यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दो करंट आएंगे, एक तो ऐसे घूम के आ रहा है I1 और एक ऊपर की तरफ जा रहा है I2, तो ये I1 माइनस I2 होगा ना, इसमें करंट जो होगा R2 में, तो I1 माइनस I2 इंटू R2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा है देखिए इस इक्वेशन में। तो आइए चलो लगाते हैं हम KVL लॉस में आपका। E1 कैसा, माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि करंट देखिए माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है, तो E1 माइनस का लिख लिया हमने इस साइड में। ठीक है, अब ये प्लस का होगा I1 इंटू R1, क्यों प्लस का होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कैसा होता है आपका, पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें जो करंट होगा वो कैसे निकलेगा, वो घट जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन I1 की नीचे की तरफ है, I2 की ऊपर की तरफ है, तो ये हो I1 में से I2 घटाएंगे, I1 माइनस I2, ये लिख लिया हमने I1 माइनस I2, इधर देखिए साइड में, इंटू R2, ये वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा प्लस का। ठीक है, इक्वेशन लिख रहे हैं हम इसकी, प्लस के E2। अब E2 प्लस का क्यों आया, क्योंकि ये करंट देखिए माइनस से गया प्लस से निकला। ठीक है, तो E2 हो गया हमारा प्लस का, सॉरी यहाँ पे देखना है ना करंट कैसा है, ये I1 प्लस से गया और माइनस से निकला, जब प्लस से जा रहा माइनस से निकल रहा है, तो प्लस का ही होगा ना E2, तो E2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें बता देता आपको, वो गलत हो गया था, I2 इसके हिसाब से लिखा है हमने, I1 के हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इस तरीके से इक्वेशन लिखता है इसके। अब सेकंड इक्वेशन देखिए आप, इसका लगा रहे हम लूप सेकंड में। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से देखिए करंट देख लेते हैं हम, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन ए ऐसे घूम रहा है। ठीक है, कैसे, क्लॉकवाइज, यानी कि I2 R3 हो जाएगा इसमें वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, I2 की मल्टीप्लाई होगी R3 से, तो ये हो गया I2 इंटू R3, यहाँ पर देखिए साइड में सॉरी। फिर प्लस के क्या होगा, इसमें जब निकालेंगे हम, देखिए इसमें आपका वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या होगा, I2 में से I3 घटेगा ना करंट, अब I2 माइनस I3 इंटू I4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया हमने आपका। ठीक है, I2 माइनस I3 इंटू R4, कैसा, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। फिर करंट देखिए, ये वाला I2 देखना है, इसमें माइनस से गया प्लस से निकला, तो E3 कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि करंट माइनस की तरफ से गुजर रहा है ना, तो इसलिए हमने E3 लिया माइनस का, ये लिख लिया साइड में। ठीक है, अब E2 भी कैसा होगा आपका, यहाँ से करंट देख के माइनस से गया नीचे की तरफ से, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, माइनस से गया प्लस से निकला, तो E2 कैसा हो गया, माइनस का। ठीक है, E2 भी माइनस का लिख लिया हमने यहाँ पे साइड में, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर R2 में गया I2, ये अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो क्या होगा ये आपका R2 में, ये होगा I2 R2 पॉजिटिव, सॉरी ये I2 में से अब I1 घटेगा आपका। ठीक है, I2 माइनस के I1 इंटू R2, क्योंकि ये IB तो आ रहा है इस तरफ से सर्किट में, हमें इसमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, तो दोनों करंट को देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो I2 माइनस I1 इंटू R। ठीक
ठीक है, तो ये निकल गया वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, जीरो केवीएल लॉस से। इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको सेकंड, तो ये आ गया होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब लूप थर्ड में लगाएंगे हम केवीएल लॉ, ठीक है, इस वाले में। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब करंट देखिए यहाँ से गया ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन देखिए इसकी बस करंट की, पहले लूप के अंदर लूप थर्ड में, ठीक है। अब करंट कैसे गया प्लस से माइनस की तरफ, तो ई फोर कैसा होगा, प्लस का होगा ना, क्योंकि करंट प्लस से एंटर करा, निकल गया आपका माइनस से। प्लस ये दिख रहा होगा आपको, प्लस टर्मिनल माइनस, ये निशान बने हुए हैं इसके, ठीक है। प्लस का मतलब प्लस टर्मिनल से गया और माइनस से निकल गया इस सोर्स से, तो ये ई फोर कैसा है प्लस का। अब ई थ्री भी प्लस का क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो करंट ये आई थ्री है ये भी प्लस से गया, इसमें एंटर करा और निकल गया माइनस की तरफ से, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ये मैंने पॉइंट आपको पहले लिखवा चुका हूँ, मैं अभी बता रहा थोड़ी देर पहले। अब इसमें निकालना है आर फोर में हमें क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इसमें करंट कैसे निकलेगा, करंट ये वाला तो ऐसे घूम रहा है, तो आई थ्री में से ये नीचे की तरफ है आर टू, तो ये माइनस हो जाएगा ना, आई थ्री माइनस आर टू लिख लिया हमने, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आई फोर, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो उससे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई थ्री में से आई टू घटेगा इंटू आर टू, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट करंट तो ऐसे घूम रहा था इस लूप में थ्री वाले में क्लॉक वाइज, तो इसमें क्या होगा, इसमें सीधा पॉजिटिव हो जाएगा आर थ्री इंटू आर फाइव। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे, मतलब लिखते हैं आपका कि एक लूप में इक्वेशन कैसे लिखा जाता है सर्किट्स में। तो इससे हम क्या करते हैं, करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक बेसिक रूल है जो हम अप्लाई करते हैं आपका लूप में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसके ऊपर मैं आपका न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊंगा, इसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, केसीएल केवीएल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।